नाम चेतना न्याय है। चेतना एक सामाजिक संस्था है जिसमें हम हर महीने एक सेमिनार करते हैं। आज उसी श्रृंखला में ये सेमिनार हो रहा है। सब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ट्रीट योर स्ट्रेस बिफोर इट्स ग्रिप्स यू। आप यहां आए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, और विश्वविख्यात श्री गुरु कौन जी हमारे बात से बात करेंगे। मैं यही प्रयास करूंगा कि आप उनसे सवाल कर सकें। आखिरी दिन के दीप जलाएंगे और आज के कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। जब तक दीप जले आप सब तालियां बजाते रहिएगा। आप सब पहुंचिए दीप जलाने। चेतना एक सामाजिक संस्था है जिसमें हम लोग आप लोगों को अपडेट करने के लिए कोई ज्ञान की बात करते हैं, परिवार में कैसे रहें उसकी बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, वर्ल्ड क्लास 80 से ज्यादा ट्रेनर और स्पीकर चेतना से जुड़े हुए हैं। गहराई से ही समझ में आती थी, इस युग में भी इतनी गहराई से समझ में आएगी। केवल बातों से कुछ नहीं, जब तक जिस चीज से हमें पाना है उस चीज के हम गहराई में नहीं उतर जाएंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ब्रेन तो ऐसा है जिसकी जितनी गहराई में चलते चले जाइए लगता है कि अभी कुछ नहीं जाना। 40 वॉट का बल्ब जल जाता है ब्रेन के अंदर, इतना करंट है। तो ये करंट डेवलप कहां से हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी से, और वो आ रही है जल से और प्राण वायु से। जल पीना है, और कौन सा जल पीना है? जो सादा है। ठंडा जल 6 घंटे लेता है पचाने में, जो फ्रिज का है, जो कार्बनाइज्ड वाटर हो जाता है, मत पीजिए उसको, डिस्कार्ड कीजिए। जिन लोगों को दिमाग का जितना ज्यादा काम करना है उनको ठंडा जल छोड़ देना चाहिए। घड़े का ले सकते हैं, मिट्टी से ठंडा किया हुआ या हवा से ठंडा किया हुआ जल श्रेष्ठ होगा, और घड़े में तो मिट्टी हवा दोनों ही। यही जल पीजिए और आप देखिए 1-2 महीने के अंदर, जो मैंने दो छोटी छोटी चीजें अभी तो बताई हैं आपको, कि सोते समय पानी रखना है, सुबह उठकर लाल सहित वो पानी पी लेना है, और उसके बाद शौच आदि क्रिया करके पेट खाली करने के बाद अनुलोम विलोम 10 मिनट करना है, और आप देखिएगा केवल इन्हीं 2 क्रियाओं से कितना फर्क पड़ेगा। और तीसरी क्रिया बताता हूं, जठराग्नि, जठराग्नि मत मारिए। खाना खाते समय पानी पीना जहर है। हाँ मिर्चे लग जाए तो अलग, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता भाई, मजबूरी। लेकिन खाना खाते समय पानी मत पीजिए। 2 दिन भयंकर बेचैनी होगी आपको, और तीसरे दिन जिंदगी भर ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना पानी के जब आप खाना खाते हैं तो जो जठराग्नि से शरीर हल्का होता है, खाना पचता है, और जो पोषक तत्व जो हमारे शरीर में और ब्रेन में जाते हैं उससे जो एनर्जी लेवल बढ़ता है, उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू होता है, वह इतना जबरदस्त होता है कि अगर आपने 2-3 दिन ऐसा कर लिया तो जीवन पर्यंत कभी बहुत मजबूरी में खाने के वक्त पानी पीना भी पड़ा तो आपको लगेगा बेकार हो गया मेरा, इतना हल्का। 2 दिन ऐसा करके देख लीजिए। मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं मांग रहा, 1 मिनट मांग रहा हूं पानी के लिए, 10 मिनट मांग रहा हूं अनुलोम विलोम के लिए, और सिर्फ 2 दिन का अभ्यास मांग रहा हूं। भोजन के वक्त पानी मत पीजिए, कब पीजिए? भोजन करने से कम आधा घंटे से 1 घंटे पहले, और तट के पानी पीजिए, और भोजन करने के लगभग आधे घंटे मिनिमम आधे घंटे के बाद से लेकर 1 घंटे तक, 1 घंटे हो जाए तो क्या कहें। और देखिए अपने शरीर को खिलता हुआ, देखिए अपने ब्रेन को खिलता हुआ, देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा होगा आपके अंदर। इतने छोटे समय पे ये चीजें काम करती हैं। तो मैं वो बातें करने में ज्यादा रुचि लेता हूं जो होती भी दिखे, मैं वो बातें ज्यादा करना चाहता हूं जो इसी धरती से उठ रही है, इसी शरीर में समा रही है और रिफ्लेक्शन सामने आ रही है। हवाई किले बनाने से किसकी बरसात रुकी है?
हवाई खिलों में कभी बारिशें नहीं रुकती, एक झोपड़ी लेकिन अगर आप ठीक से बना लेंगे उससे रुक जाएगी। इसलिए छोटे छोटे वो काम कीजिए जो आपको इमीडिएट फायदा दे सके, और एक बार यदि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है तब आप अपने आप को इतना बदल पाते हैं कि तनाव आपको छू ना सके या तनाव आपको प्रभावित ना कर सके। थोड़ा तो करेगा, अगर तनाव आपको बिल्कुल प्रभावित ना करे तो ऑलमोस्ट डेड हो जाएंगे हम। तनाव बहुत जरूरी अर्थव्यवस्था के लिए, जिस तरीके से इन्फ्लेशन जरूरी है, इसलिए जिंदगी बेहतर जीने के लिए तनाव जरूरी। तनाव नहीं होगा तो हॉर्मोन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा और हमारा बॉडी ऑलमोस्ट एक डेड जैसी बिहेव करेगी। इसलिए थोड़ा तनाव तो चाहिए, लेकिन वो तनाव हमें परेशान ना करे, इसलिए ये बेहद आवश्यक है। इसका मन कभी रहा है वो छोड़, एक प्रार्थना उनके चरणों में कर रहा हूं, अगर वो स्वीकार कर ले तो। मेरा मन है कि बहुत सारे परिवार काउंसलिंग चाहते हैं गुरु जी से, पर्सनल वन टू वन। तो अगर हम एक ऐसा कोई कार्यक्रम बनाए, गुरु जी महीने में एक दिन दे केवल चेतना को, एक दिन